हेलो प्रॉफिटियर्स, बाप रे बाप, इतना बवाल, इतना नॉइज़ आपने कभी किसी आईपीओ के बारे में सुना है? जस्ट बिकॉज द मीडिया वॉज वेरी क्लियर टू कॉल इट इंडियाज़ बिगेस्ट आईपीओ। भाई, इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ है, दैट्स वाई एवरीवन, इट्स नॉट नेसेसरी ना, हर बिकने वाली चीज़ या हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। नॉट ऑल आईपीओज विल ग्लिटर लाइक गोल्ड। आई टोल्ड यू दिस, इफ़ यू रिमेंबर वेरी क्लियरली, वी हैड वेरी कैटेगोरिकली टोल्ड यू। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा एक वीडियो है जो 28 मई का है, उसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत क्लियरली मैंने बोला हुआ है दैट पेटीएम इज़ नॉट वॉज नेवर गोइंग टू बी अ मनी मेकिंग एक्सरसाइज। मैं अभी भी उस पर बहुत फर्मली बिलीव करता हूँ। एंड जोमैटो के बारे में हम लोग ने तब से बुलिशनेस दिखाई थी, सो देर इज़ अ फंडामेंटल डिफरेंस इन टूडेज़ वीडियो। ऑल दो वेरी रिलक्टेंटली, बट आई वुड लाइक टू सो दैट आगे के आईपीओज में हम लोग गलती ना करें, रिटेल इन्वेस्टर्स मेसअप ना करें। रिलक्टेंटली बट आई वुड लाइक टू मेक इट अ पॉइंट टू क्लैरिफाई टू ऑल ऑफ यू कि कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं और कैसे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। सो व्हाई पेटीएम आईपीओ ओपन डिजास्ट्रसली, मैं अभी ये स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ नहीं करूँगा दैट इट फेल्ड, लेट्स नॉट से इट फेल्ड, लेट्स से व्हाई इट ओपन डिजास्ट्रसली। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वॉज वेरी बुलिश ऑन जोमैटो, वी वर वेरी श्योर ऑन पॉलिसी बाजार, वी आर वेरी श्योर ऑन लेटेंट व्यू। आई पी ओज में इतने सारे कंपनीज लिस्ट होंगे, बट वी हैव नेवर गिवन परफेक्टली बुलिश व्यूज़ ऑन ऑल। वी आर, अगर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में नहीं है, वी डोंट गेट इन टू इट, आई डोंट गेट इन टू इट, आई डोंट लाइक टू, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स आर ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस टू मी। इसीलिए किसी का 15,000 का एक लॉट भी लग रहा है तो भी वी विल नॉट गेट द मनी इन टू अ रॉन्ग कंपनी। अब पेटीएम के साथ दिक्कतें क्या है, पॉइंट बाय पॉइंट इसको थोड़ा डिस्कस करके इसको साइडलाइन कर देते हैं। साइडलाइन एज इन लेट्स गेट इट आउट ऑफ अ वे। पॉइंट नंबर वन, ओवर स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस आर सो स्ट्रेच्ड, 2100 रुपये के ऊपर का आप प्राइस कमांड करते हो इशू प्राइस, और ऊपर से सीएफओ ने स्टेटमेंट दिया था दैट यू नो व्हाट, दिस इज़ वेरी लो, वी कुड हैव प्राइज्ड इट मच हायर। इट आई थिंक देर इज़ अ लॉट ऑफ कर्मा इन्वॉल्व इन दिस, देर इज़ अ लॉट ऑफ कार्मिक डेस्टिनी की मेरे ख्याल से जो उनका घमंड था इस कंपनी का, जो अंदर ही अंदर एक तरह का यू नो ओवर कॉन्फिडेंस था, उसके वजह से ये आईपीओ इतना बुरी तरह से 30% डाउन जाके गिरा है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ लिस्टिंग। इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ, सबसे बड़ा आईपीओ, अरे भाई सबसे बड़ा आईपीओ एलआईसी है, एलआईसी की लिस्टिंग अभी बाकी है, येट इट्स येट टू कम। सो फार का सबसे बड़ा आई पी ओ है, बट एज आई सेड फर्स्ट पॉइंट, प्राइसिंग टोटली रॉन्ग। इस कंपनी की वैल्यू अभी के रेवेन्यू के हिसाब से, मेरे हिसाब से सिर्फ 500 या 600 रुपए होनी चाहिए मैक्सिमम, दैट इज़ द फेयर वैल्यू। अभी भी अगर आपको स्टॉक मिले उस लेवल पे, आई विल नेवर रिकमेंड टू बाय। पॉइंट नंबर टू, वाई दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय, देर इज़ नो क्लियर मोट, यानी जो डोमिनेंस होता है या जो बिजनेस का एक, जैसे कोई अदर कंपनी में है, जैसे पॉलिसी बाज़ार में उनका मार्केट शेयर, उनका मोट है, उनका जो आईपी और जो जिस तरह के द थिंग्स दैट दे आर यूजिंग टू गेट बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसीज़ फॉर देयर कस्टमर्स, दैट इज़ अ मोट, बैरियर टू एंट्री जिसको बोलते हैं। इनके पास कोई बैरियर टू एंट्री है नहीं। ऑफकोर्स दे वर द फर्स्ट पीपल टू कम टू द मार्केट एंड डिसरप्ट, बट मेरे ख्याल से डिसरप्ट करते करते ये खुद डिसरप्ट हो गए, बिकॉज यूपीआई लिटरली इज़ ईटिंग इनटू द बिजनेस। टुडे इवन इफ़ यू आस्क अ स्मॉल वेजिटेबल वेंडर और अ शॉपकीपर और एनी वन, नो बडी वॉन्ट्स दोज यू नो, वो मशीन लेके या क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन, वो पहले होता था डीमोनिटाइजेशन के टाइम। ये इंडस्ट्री ऐसी है कि हर 5 साल में डिसरप्ट होती रहेगी। नाउ टुडे वी आर ऑन UPI, हु नोज, मे बी आफ्टर 3-5 years यू माइट गेट दिस इंडस्ट्री ऑल्सो डिसरप्टेड। तो आप एक एग्रीगेटर हैं, पेटीएम इज़ नॉट गिविंग सम ग्रेट वैल्यू टू इट्स कस्टमर्स, इट्स जस्ट लाइक एन ऊबर और एन ओला, अगेन दे आर नॉट गिविंग वैल्यू बट दे आर जस्ट एग्रीगेटर्स, वो सिर्फ आपका पेमेंट करवा रहे हैं। तो पॉइंट नंबर टू, नो वैल्यू फॉर द मनी ऑफ द कस्टमर। कस्टमर को जहाँ ईजी मनी मिलेगा वो या तो पेटीएम करे या फ़ोनपे करे या गूगल पे करे, व्हाट्सएप पे करे, अमेजोन पे करे, या कोई और UPI का मेथड लेके पेमेंट कर दें, या बैंक NEFT कर दे फॉर ऑल यू नो। Why would the customer retain himself or herself with Paytm? Cashbacks की अगर आप बात करेंगे, trust me, there are better cashbacks in other UPI options, much better.
इनफैक्ट पेटीएम वो कंपनी थी जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, नाउ तो आई डोंट नो बिकॉज आई डोंट यूज़ इट, लेकिन स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कस्टमर्स को चार्ज करती थी पैसे इधर से उधर ट्रांसफ़र करने के लिए, छोटा कमीशन मारते थे ये लोग। तो ये मेंटालिटी, आप कस्टमर्स आर वेरी स्मार्ट इन इंडिया, द मार्केट इज़ द स्मार्टेस्ट। मार्केट ने देखा ना 2100 का भाव उठा के सीधा 1500 रुपये पे फेंक दिया, द मार्केट इज़ वेरी, इट्स अ ग्रेट लेवलर आई वुड से। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट विद पेटीएम इज़ वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड, प्राइस गलत, कोई मोट नहीं है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कस्टमर्स का रेवेन्यू है, रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स एंड रेवेन्यू फ्रॉम इवन थर्ड पार्टीज इज़ कॉन्स्टेंटली डिक्लाइनिंग सिंस द लास्ट 3-4 ईयर्स। अगर आप इसका 500 पेज का, तो ये लोग DRHP निकालते हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस निकालते हैं, कौन पढ़ेगा वो? विच रिटेल इन्वेस्टर हैज़ द टाइम एंड द वेयर विद ऑल टू स्टडी ऑल दैट, राइट? बट अगर आप उसमें ध्यान से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे तो लास्ट 3-4 साल से कस्टमर की तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इवन थर्ड पार्टी रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन एक्चुअली कम हो रहा है। इट इज़ नॉट अ प्रॉफिटेबल कंपनी एंड द CFO एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर हैज़ बीन वेरी कैटेगोरिकल, क्योंकि SEBI का रूल है कि अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं है तो आपको बताना पड़ेगा कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है। सो दे हैव मेंशनड इट ऑन रिकॉर्ड कि कोई गारंटी नहीं है कि हम आगे भी प्रॉफिटेबल होंगे। नाउ इसी थर्ड पॉइंट के साथ वाइंड अप करते करते मैं ये बोलूँगा कि वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ Zomato एंड अ Paytm एंड अ पॉलिसी बाजार। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दीज थ्री आर नॉट कंपेरेबल, हर बिजनेस की एक अपनी अलग कुंडली, अलग कहानी होती है। पॉलिसी बाजार इज़ एन इंश्योरेंस प्ले, इंश्योरेंस मार्केट अंडर पेनिट्रेटेड है, सो इज़ द पेमेंट मार्केट। आप आर्ग्यू कर सकते हो कि फिनटेक का मार्केट भी अंडर पेनिट्रेटेड है, बट पॉलिसी बाजार का Amazon, Google और उस स्टैचर का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। दे हैव मार्केट शेयर, दे आर ग्रोइंग, दे आर इनफैक्ट क्लीनिंग अप देयर बुक्स। इवन इन Zomato इफ़ यू सी, हाइपर प्योर इज़ द क्लेम टू फेम। तो आपने पैसा Zomato पे एज अ फूड डिलीवरी बिजनेस नहीं लगाया है, इट्स अन इकोसिस्टम। मैंने स्टार्टिंग से ये वर्ड यूज़ किया है, दे हैव चेंज्ड द फूड इकोसिस्टम इन द कंट्री। एंड इफ़ यू लुक एट हाइपर प्योर तो आपको समझ में आएगा कि वो किस तरह एक्सपांड कर रहे हैं। सारे अपने लॉस मेकिंग इनिशिएटिव्स कम करते जा रहे हैं, इसीलिए मार्केट उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को रिवॉर्ड कर रहा है। 132 पे सपोर्ट लिया, देन आई टोल्ड यू इट विल नेवर ब्रेक दैट क्रिटिकल सपोर्ट हमारे बीच के वीडियोज़ में, एंड टुडे इट इज़ एट 155-160। ये ग्रोइंग चैनल कंपनी है, इवन दो इट्स करंटली लॉस मेकिंग, सो इज़ पॉलिसी बाजार, सो इज़ Paytm। लॉस मेकिंग प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने जो लॉसेज दिखाए वो पैसा आपने खर्चा किधर किया है, दैट इज़ द प्रॉब्लम विद Zomato, विद पॉलिसी, विद द नेक्स्ट कमिंग अप फार्म ईजी। आप देखिए फार्म ईजी में भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वील मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। बट विद दीज कंपनीज द डिफरेंस इज दे हैव स्पेंड द मनी इन द इको सिस्टम, इन टेक्नोलॉजी, इन अपग्रेडिंग एंड पॉलिशिंग देयर मार्केट शेयर। ऑल दीज आर मार्केट लीडिंग कंपनीज, बट Paytm इज अनफॉर्चुनेटली नॉट अ मार्केट लीडिंग कंपनी एनी मोर। डीमोनेटाइजेशन को हो गए 5 साल, उस टाइम पर उनका मार्केट शेयर होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है, एंड सस्टेनेबल मार्केट शेयर नहीं दिख रहा है। सो वॉट टू डू इन Paytm? अब अगर आप इसको लेके फंस गए, और देखिए ना, ये पहला IPO है इंडिया का, सबसे बड़ा IPO, सबसे बड़ा IPO बोल के निकाला, जिसने जिसने अप्लाई किया था, एवरी रिटेल इन्वेस्टर हु अप्लाइड, सबको ये शेयर आके मिल गया। इट नेवर हैपन्स इन द IPO, बट ऑल ऑफ यू गॉट इट, राइट? दैट्स, देयर इज़ द कैच हियर, कि ऐसे कैसे हो गया कि सबसे बड़ा IPO सारे रिटेल निवेशक को मिल गया। कंक्लूडिंग पॉइंट, आई हैव हर्ड दैट 18,000 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से 10,500 करोड़ ऑफर फॉर सेल के ज़रिए जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स थे वो बेच के निकल गए। Paytm का स्टॉक या शेयर प्राइस एग्जिस्टिंग बड़े बड़े निवेशकों ने जो लिया हुआ था वो कौड़ियों के भाव में लिया हुआ है, दे हैव इन्वेस्टेड इन अर्ली स्टेज। तो आज अगर 2100 का इशू प्राइस था, उनको 1500-1400 पे नहीं, दे हैव गॉट इट एट डर्ट चीप प्राइसेस। आई मीन 100-200-500 रुपये में जिसने Paytm लिया और ऑफर फॉर सेल में 2100 रुपये में निकाल के भाग गए, और वही शेयर अभी रिटेल निवेशक के गले में ऐसे आके अटक गया। दिस इज़ एग्जैक्टली वाई वी कॉल इट पम्प एंड डम्प। मैं कोई संकोच नहीं करूँगा इस स्ट्रैटेजी यूज़ करने में, दिस इज़ अ क्लासिक केस ऑफ पम्प एंड डम्प। पहले प्राइस ऊपर बढ़ाओ, रिटेल इन्वेस्टर को ब्रांड की कहानी सुनाओ, बेचो, और बाद में भेज के भगा दो अपने इनिशियल इन्वेस्टर को, और अब स्टॉक मार्केट में आके बैठ जाओ कि भाई हम तो अभी इंडियन इन्वेस्टर के लिए काम करेंगे। पम्प एंड डम्प के चक्कर में आपको नहीं फंसना है। Paytm इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल, अनफॉर्चुनेटली। आई वुड लव टू बी प्रूवन रॉन्ग,
मैं चाहता हूँ कि कोई आए और बताए कि पेटीएम सक्सेसफुल हो गया. आई वुड नेवर बीन हैप्पी टू बी प्रूवन रॉन्ग. लेकिन लेट्स सी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू. फिलहाल अगर आप ऊंचे प्राइस में लेके बैठे हैं, अगर 900 रुपये तक जाता है या चलो 1200 रुपये तक भी जाता है, तो 9000 रुपीज़ और लगा के एवरेज करके कम से कम 1500-1600 का आपको एग्जिट मिलेगा. आई थिंक इफ़ दिस स्टॉक प्राइस गोज़ डाउन टिल 1200 और आपने एवरेजिंग किया, तो कम से कम आपको 1500-1600 पे एक एग्ज़िट दे देगा ये. मेरे ख्याल से वो 1200 पे आके 1600 या 1800 पे आपको एक निकाल देगा, मतलब एग्ज़िट दे देगा. उस एग्ज़िट का वेट कीजिए, बट डोंट वेस्ट योर टाइम इन दीज कंपनीज. वॉच आर वीडियोज़, लुक आउट फॉर वैल्यू क्रिएटिंग कंपनीज, एंड प्लीज़ फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन इन द कॉमेंट्स. टेक केयर प्रॉफिटियर्स, आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो.